बच्चों आज हम छाया मत छूना, छाया मत छूना कविता जो है इसके श्री गिरजा प्रसाद माथुर जो हैं वो लेखक हैं और इसके प्रश्नोत्तर हम आज कर रहे हैं। पहला प्रश्न बता देते हैं, छाया मत छूना कविता के आधार पर श्री गिरिजा प्रसाद माथुर की मानसिक सबलता पर टिप्पणी लिखिए। आपको पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देखना होता है, तो इसमें मानसिक सबलता पूछी गई है। इसमें हम उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, श्री गिरिजा प्रसाद माथुर छायावादी काव्य धारा से प्रभावित थे और उनकी कविता में प्रेम, सौंदर्य और कल्पना की अधिकता पर कवि ने छाया मत छूना कविता में कल्पना की उड़ान से बहुत दूर होकर अपनी मानसिक सबलता का परिचय दिया है। कोरी कल्पनाएं जीवन में किसी काम की नहीं होती, कवि ने ये बताया है। इनसे सुखों की अनुभूति होती है लेकिन जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं लेकिन दुख की घड़ियों में हम सुखों को याद करके अपने दुख को और बढ़ा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि ये कहता है कि यदि आपके जीवन में कभी दुख आ जाए तो पुराने सुखों को याद करके अपने अभी जो दुख आपका है उसको और मत बढ़ा लेना। यानी प्रैक्टिकल बात कर रहा है वो बिल्कुल। जीवन में केवल मधुर सपने ही नहीं हैं, इसमें कठोरता भी बसती है। हमें पुरानी बातों को भुलाकर भविष्य की ओर मजबूत कदमों से बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हुआ जो खिला फूल बसंत रस आने पर, जो न मिला फूल उसे कर तू भविष्य वर्ण। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने लक्ष्य की ओर दृष्टि जमाएं और आगे बढ़ते जाएं, न कि पिछले सुखों को याद करके आंसू ही बहाते रहें। दूसरा प्रश्न है, छाया शब्द से कवि का क्या तात्पर्य है। कवि ने अतीत के सुखों को छाया कहा है, जो अतीत में हमें सुख मिले थे। अतीत में जो हमें सुख मिले थे ये क्या है, छाया है। अतीत में प्राप्त सुख हमारे वर्तमान को सुखी नहीं बना सकते। ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा अतीत है और ये वर्तमान है। वर्तमान जीवन में उनका कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि जो बीत चुका है वो छाया है, सिर्फ छाया की माया है। यानी हम उसे छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं, देखा जा सकता है बट वो होता नहीं है एक्चुअली। तो अतीत की छाया वर्तमान से मेल नहीं खाती, नहीं यथार्थ में बदल सकती है। अतीत का सुख हमें असमंजस में लाकर खड़ा कर देता है, अतः अतीत के सुख रूपी छाया से दूर रहना ही उचित है। प्रश्न तीन जो है, प्रश्न तीन को आप अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि तन सुगंध शेष रह गई, तन सुगंध शेष रह गई, बीत गई यामिनी। इस पंक्ति को कैसे स्पष्ट करेंगे, बीत गई यामिनी। इस पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए देखिए, तन सुगंध रही बीत गई यामिनी, इस पंक्ति का संबंध कवि के जीवन की उन सुखद रातों से है जो अब क्या बन गई हैं, उसके लिए केवल अतीत बन गई है, यानी बीत चुकी हैं। उन रातों में जो उसने समय बिताया है उसकी जो सुगंध है वो अभी भी उसके तन में व्याप्त है, यानी उसके शरीर में अभी भी व्याप्त है, जबकि यामिनी यानी रात, वो रात बीत चुकी है। बस उनकी याद, मतलब सुगंध को मतलब ये कहा है कि याद रह गई है। कभी वे रातें जब उसकी प्रिया उसके साथ थी, जब उसकी प्रिया उसके साथ थी, अब कभी नहीं भुला पाता है।
यह कैसी त्रासदी है कि पहले की वे सुखद रातें अब उसके लिए दुखद प्रतीत होती हैं। वही अब उसकी रातें दुखद क्यों हो गई हैं? क्योंकि अब उसकी प्रिया उसके साथ नहीं है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है। चौथा प्रश्न कैसे है? चौथा प्रश्न है, कवि ने यश, वैभव, मान आदि को किसके समान बताया है? ये भी समझने वाला प्रश्न है। चौथा प्रश्न जो है, किसके समान बताया है चारों को? उन्होंने मृग तृष्णा के समान बताया है। मृग तृष्णा को समझना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मृग तृष्णा का एक्चुअल मीनिंग क्या है। पहले बात कर लेते हैं प्रश्न की। मानव जीवन सदा यश, वैभव, मान के पीछे भागता है। यानी कि कवि क्या कहता है कि हर मनुष्य का ये स्वाभाविक गुण होता है कि वह अपना यश यानी अपनी प्रसिद्धि, अपना वैभव, जिसे शौफ कहते हैं, वैभव मान कि उसे सम्मान मिले, इन सब बातों के पीछे भागता रहता है। इन सब बातों के पीछे कैसे भागता रहता है? जैसे कि रेगिस्तान में हिरन जल के आभास में चमकती रेत के पीछे दौड़ता रहता है। रेगिस्तान का जो हिरन होता है उसे मिट्टी में भी पानी नजर आता है। इसे क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा, यानी हिरण की प्यास। मिट्टी में उसे पानी तो मिलता नहीं है, इसलिए वह हमेशा प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को यश, वैभव, मान मिलते नहीं हैं, लेकिन हमेशा वह उनके पीछे भागता रहता है। जैसे हिरण की प्यास नहीं बुझती है, वैसे ही मनुष्य का भी कभी भी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। वह जीवन भर अपने यश, वैभव और मान से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, यानी कि उसकी लालसा कभी नहीं मिटती है। ये गूढ़ बात इस कविता में कवि ने समझाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने किस यथार्थ पूजन की बात की है? कवि ने किस यथार्थ पूजन की बात की है? पांचवा प्रश्न जो है वो है यथार्थ पूजन का। यथार्थ पूजन जो है, कवि के अनुसार यतीत की सुखद स्मृति, यानी पहले जो हमारा अच्छा टाइम था, जो बीत गया, वो हमारे वर्तमान को भी दुखी बनाता है। यही सच्चाई है कि जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना करना, उनको स्वीकार कर लेना, यही यथार्थ को अपनाना है। यथार्थ यानी वास्तविकता। यथार्थ का मतलब यहाँ पर किससे है? वास्तविकता से, जो रियलिटी है। ये पास्ट तो हमारा बीत चुका है, पास्ट तो है ही नहीं। इट मीन्स चाहे तब सुख था, वो तो अब गायब हो चुका है, उसकी केवल छाया रह गई है। इसलिए उसका तो हमारे जीवन में कोई मीनिंग ही नहीं है। इसलिए कवि क्या कहता है कि हमें वास्तविकता, चाहे वो दुख हो या हमें सुख हो, तो उसे अपनाना है। यथार्थ का पूजन मतलब वास्तविकता को अपनाना है। सच्चाई से बचा नहीं जा सकता, उसका पूजन करना ही मनुष्य के लिए लाभप्रद है। यानी आपके सामने कोई भी कठिनाई आ गई है तो उसका डटकर मुकाबला करना ही मनुष्य के लिए लाभप्रद बताया है। विचलित हुए बिना कष्टों का सामना करना। मान लीजिए आपको एग्जाम में कष्ट होते हैं, आपको याद नहीं आ रहा है, तो बिना विचलित हुए उसका सामना करना या कठिनाइयों से सामंजस्य स्थापित करना ही यथार्थ पूजन है। कठिनाइयों का सामना करें, पलायन नहीं। प्रश्न नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचिए फिर लिखिए। छोड़ना उचित नहीं है प्रश्न को। इसी प्रकार से कठिनाई का सामना करेंगे, भागेंगे नहीं, तो वह यथार्थ का पूजन है। उसमें से फिर हम कभी ना कभी बाहर निकल आएंगे, कठिनाई के दलदल से बाहर निकल जाएंगे। कठिनाई का दलदल जो है, यदि हम उसमें हाथ पांव मारते रहे हिम्मत नहीं हारी, तो हम एक दिन उससे बाहर निश्चित रूप से आ जाएंगे। इसीलिए कवि क्या कहता है
कि हमें यथार्थ का पूजन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, कैसे व्यक्ति को पंथ दिखाई नहीं देता है, कैसे व्यक्ति को पंथ दिखाई नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति जो उचित और अनुचित दोनों के बीच में अंतर नहीं कर सके कि कौन सी चीज़ मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है, जिसका मन दुविधाग्रस्त रहता है। दुविधाग्रस्त माने कन्फ्यूज़न में वो व्यक्ति यदि रहता है, उसे लक्ष्य की ओर जाने वाला मार्ग नहीं दिखाई देता, सफलता असफलता की आशंका उसे घेरे रहती है, उसके मन में हमेशा क्या भाव आते हैं, पता नहीं मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, तो फिर उस व्यक्ति को रास्ता दिखाई नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति ना तो शारीरिक रूप से सुखी होता है, ना ही मानसिक रूप से सुखी होता है। ऐसे व्यक्ति को उन क्षणों में भी अच्छा नहीं लगता जब वह सुखी हो, यानी जब उसके पास खुशी है तो भी वह उस क्षण को नहीं भोग सकता। सातवां प्रश्न है, कवि हमें क्या भूल जाने की सलाह दे रहे हैं, क्या भूलने की सलाह दे रहे हैं, हमें क्या भूलना चाहिए। तो थोड़ा सा आप कविता को समझ लेंगे तो आपके मार्क्स बड़े अच्छे आ जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके भीतर अपने दिमाग को यूज़ करने की क्षमता ना हो, बस हम करते नहीं हैं। तो अपने आप को सुपीरियर मानिए और अपनी क्षमताओं को जानिए, पहचानिए और प्रश्नों को समझ कर कीजिए। बात आती है कि कवि क्या कहते हैं, कवि हमें यह समझाना चाहता है कि जीवन में जो हमें मिला ही नहीं उसका शौक क्यों करें हम, उसका शौक करने से तो हमारा और भी नुकसान होगा, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को भूल करके आगे 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 बढ़ना चाहिए, यही हमारे लिए हितकर है। उसकी चिंता में घुलना अनुचित है। जो व्यक्ति ऐसा करता है तो वह हमेशा खुद को दुखी देता है, वर्तमान और भविष्य को व्यर्थ में चिंता करके खराब ना करें। देखिए, वर्तमान जो समय है ये वर्तमान है, ये भूतकाल है और ये हमारा फ्यूचर है। या तो हम इसकी परवाह में रहते हैं, यानी कि जो छाया है, या हम इसमें क्या होगा फ्यूचर की चिंता में रहते हैं। अभी ये दोनों चिंताएं, इसका तो सुख हम याद करते हैं और इसके बारे में हम चिंतित रहते हैं, तो हम इसको पूर्णतया भूल जाते हैं, अपने वर्तमान को, जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारे जीवन की क्या है, वास्तविकता है। हम अपने जीवन की वास्तविकता को भूल जाते हैं, या तो पिछले सुखों को याद करते हैं, या पिछले दुखों को याद करते हैं, या भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के बारे में चिंतित रहते हैं, और हम इस वजह से अपना बहुत सारा कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कवि हमें क्या सलाह देता है, कवि हमें ये सलाह देता है कि जो मिला है उसे महत्व प्रदान करें। हमें क्या मिला, अभी वर्तमान मिला हुआ है, उसे महत्व दें, इसे हमारे हाथों से ना जाने दें। प्रश्न आता है, एट क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता का संदेश क्या है। अभी तक आपको संदेश समझ में आ गया होगा, सारे प्रश्न में हमने यही बात की है कि कविता क्या कहती है। फिर भी बात कर लेते हैं कि कवि ने अपनी इस कविता द्वारा हमें यह संदेश दिया है कि पुराने सुखों की याद को अपने वर्तमान पर हावी ना होने दें, जीवन की वास्तविकता का सामना करें, अतीत के आधार पर जीवन संचालित नहीं हो सकता, और वर्तमान को ही सुखद भविष्य का आधार माने। दुख के समय निराश हुए बिना उत्साह बनाए रखना चाहिए, संघर्ष ही जीवन का यथार्थ पक्ष है। सुख स्मृतियों को याद करके वर्तमान को और अधिक दुखद
ना बनाए। नाइन्थ प्रश्न जो है, नाइन्थ प्रश्न बहुत अच्छा है, यू कैन डू इट, आप अपने आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, देखिए कितना अच्छा भाव है पंक्तियों में, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, इसमें हमें क्या बता रहा है कवि? कवि के अनुसार जीवन में सुख और दुख या दुख और सुख आते जाते रहते हैं। जिस तरह से कैसे आते हैं, जैसे चांदनी रात के बाद अंधेरी रात आती है, अंधेरी के बाद चांदनी रात आती है, तभी तो कवि कह रहा है हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा। जिस प्रकार से अमावस्या और पूर्णिमा के बाद काली रात आती है, इसी तरह से सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है और निरंतर चलता रहता है। जीवन की सच्चाई को जानकर ही हमें परिस्थिति के अनुरूप अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हताश हुए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस कविता के बारे में कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए। आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, आपको कैसा लगा चैप्टर तो बताइए।